हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग. वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड. और आज जो आप लोगों की शिकायत तो नहीं कह सकते, आप लोग शिकायत नहीं करते हैं इस मामले में, लेकिन यस, आप लोगों के लिए आज कुछ न्यू है. जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम में अब कम टाइम है, संस्कृत की प्रिपरेशन हमारी चल रही है, हमने पद्यांश भी दो तीन आई थिंक डिस्कस कर लिए हैं किस टाइप से उसको सॉल्व करना है, ये भी हम बीच बीच में देखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं संस्कृत पैडागॉजी की. और क्या कुछ हम कर सकते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा इस क्लास के अलावा, वो भी मैंने आपको बता दिया है. अब यहाँ पे आज जो मैंने पिक किया है वो पिक किया है एक छोटा सा गद्यांश, क्योंकि गद्यांश अभी तक एक भी बार नहीं कराया गया है. और यहाँ पे गद्यांश से करीब 7 क्वेश्चन, एक गद्यांश में करीब 7 क्वेश्चन जो है वो आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन देखेंगे. और अच्छा इसलिए है क्योंकि गद्यांश में कई क्वेश्चन व्याकरण पोर्शन से है, जैसा कल मैं डिस्कस कर रही थी कि हिंदी में भी कि व्याकरण से भी क्वेश्चन आ जाता है, वही चीज़ यहाँ पे भी है. बात करते हैं गद्यांश की, तो ये संस्कृत से ही रिलेटेड है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा. और ये सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है. सामने आपके है छोटा सा गद्यांश और इस पर आधारित है कुछ प्रश्न जिसको मैं एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ, बट आपको सॉल्व भी इसे करना है. तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास. देखिए, हमेशा मैंने बताया है आपको कि जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इतना छोटा सा गद्यांश है, इतनी बड़ी बात नहीं. अगर आप इसको एक नज़र पढ़ भी डालेंगे तो आपको उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बट फिर भी बेटर ये होता है कि आप एक बार क्वेश्चन का नेचर समझ लें कि क्वेश्चन पूछ क्या कह रहा है, कहाँ कहाँ से हमको आंसर उठा के पिक करना होगा, है ना. तो चलिए पहले एक बार क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं. तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि संस्कृत शिक्षण आय किम आवश्यक. अच्छा, आय जब ही किसी शब्द के बाद ये आय जुड़ा है तो इसका मतलब हो जाता है के लिए, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर. हमेशा ये छोटी छोटी चीज जिनकी जिनको संस्कृत नहीं आती उनके लिए बताती जाती चलती हूँ. तो संस्कृत शिक्षणाय का मतलब हो गया कि संस्कृत शिक्षण के लिए, ठीक है. तो संस्कृत शिक्षण के लिए किम मतलब क्या आवश्यक है, तो ये चीज़ हमको ढूंढना पड़ेगा वहाँ पे. फिर अधुना इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, यानी कि अधुना के लिए, अधुना के अर्थ में पूरे जो हमारा गद्यांश है उसमें कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है. थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए, ऑप्शंस पे भी दिख जाएंगे शब्द, तो इजी रहेगा समझना. अब उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछता है, अद्वते संस्कृत पाठनार्थम प्रायः कस्या भाषाया प्रयोग माध्यम रूपेण न क्रियते. ध्यान दीजिए बोल क्या बोल रहे हैं, न क्रियते, यानी कि आजकल संस्कृत के शिक्षण के लिए, पाठन के लिए नॉर्मली हम कौन सी भाषा का माध्यम मीडियम के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं. ऑप्शंस देख लीजिए, सबको पता है कि किसका नहीं करते हैं. चलिए अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके लिए मतलब ऐसे क्वेश्चन है कि ज़्यादा आपको पैसेज पे जाना नहीं पड़ेगा उतना ज़्यादा. अधीत्य इते इति पदे का उपसर्ग, अब ये आपका व्याकरण से है तो इसका जो आपका गद्यांश है उससे कोई लेना देना नहीं है. व्याकरण आती है तो बन जाएगा, नहीं तो गलतियाँ हो जाएंगी. हालांकि उपसर्ग इतना ईजी होता है, प्रत्यय थोड़ा कठिन होता है इसमें. अस्मिन अनुच्छेदे दृश्यते इति क्रियापद से किम कर्तृपदम, यानी कि दृश्यते शब्द जहाँ पे आएगा ध्यान रखिएगा कि वहाँ किसका कर्तृपद क्या प्रयुक्त हुआ है इनमें से. इसके पहले, ठीक है, एक दो वर्ड पहले आसपास जो भी इनमें से कोई शब्द दिखे वही आपका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा. इसके बाद है कर्तव्यम इति पदे का प्रत्यय, तो ये भी आपका व्याकरण से है, इसमें भी हमें गद्यांश में नहीं ढूंढना पड़ेगा. यहाँ पे भी प्रत्यय से प्रश्न है तो व्याकरण से है, गद्यांश में नहीं ढूंढना पड़ेगा. अत्र संधि युक्तम पदम किम, यहाँ पे कौन सा पद जो है इसमें संधि हुई है, तो ये भी व्याकरण से है. मतलब आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें व्याकरण से है, समास संधि प्रत्यय उपसर्ग सबसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है. सिर्फ 2 या 3 प्रश्न ही है जो आपके गद्यांश, जिसके लिए आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाए, बच जाएगा गद्यांश में वेस्ट करने से. आ जाते हैं चलिए गद्यांश पे अब, है ना. यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, एग्जाम में आपको थोड़ा सा और कम टाइम इससे लगेगा. तो यहाँ पे जो पहला पहली लाइन है, संप्रति शिक्षा संस्थासु प्रचलितस्य संस्कृत शिक्षण विधे अयम परिणाम दृश्यते यत बहूनि वर्षाणि संस्कृतम अधीत्य अपि संस्कृत छात्रा संस्कृत भाषा या स्वविचार. ठीक है, उतना सारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है हमें. सबसे पहला हमारे एक आंसर यहाँ पे ये मिल रहा है, पहला वर्ड पहला वर्ड यहाँ पे क्या चीज है कि संप्रति, जनरली यहाँ पे होना क्या चाहिए, अधुना, ठीक है, आजकल या इस आज या इस टाइप के सेंस में ये यूज हुआ है, ठीक है, या आज के समय में, नए समय में आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपको समझ में आ रहा हो.
उसको लेकर चली, और हमने देखा था संप्रति हमें एक क्वेश्चन के ऑप्शन में मिला था। पूरे में कहीं पे भी हमें अधूना वर्ड, अगर आप जब इसे पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो यहाँ पे नहीं आपको मिलेगा। तो हमें एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल रहा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अधुना इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम संप्रति, ठीक है, ये सारे वर्ड्स तो मिलेंगे नहीं जल्दी, यही वाला मिलेगा जो आपका एक सेंस बनाता है, और कोई वर्ड यहाँ पे सेंस नहीं बनाएगा इस संदर्भ में, क्योंकि सब सब क्या है, अव्यय है, और सबका एक अलग अलग अर्थ है। तो कोई भी अव्यय, कॉमन सेंस की बात है, अगर आप थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हैं तो कोई भी अव्यय जो है, जैसे एव हो गया, ठीक है, ये दूसरे अव्यय के अर्थ में कहाँ से प्रयुक्त हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और हमारा जो पहला प्रश्न था, ये भी देख लेते हैं कि संस्कृत शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे ये पूरे गद्यांश में जब आप पढ़ेंगे तो इसका सेंस ये निकल कर आता है कि आजकल जो विद्यालयों में संस्कृत की शिक्षा शिक्षण विधि अपनाई जा रही है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा सालों तक संस्कृत को जो है छात्र संस्कृत भाषा में अपना विचार नहीं प्रयोग कर पाएंगे, या फिर कुल मिला के आज ही के टाइम पे संस्कृत भाषा का प्रयोग करके छात्र बोल नहीं सकते हैं, अपने विचार को प्रकट करने में असमर्थ हैं, ठीक है, लेखन कार्य में भी उतने ज़्यादा वो निपुण नहीं दिखते हैं। उसका कारण क्या है, ठीक है, उसका कारण क्या है कि सबसे पहली बात कि संस्कृत को संस्कृत भाषा में पढ़ाया ही नहीं जाता है, माध्यम के रूप में किसी अन्य भाषा का, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जब संस्कृत भाषा का प्रयोग किया ही नहीं जा रहा है संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो वो एक जाहिर सी बात है कि संस्कृत कहाँ से बेस्ट होगी, ठीक है। संस्कृत पाठ्य पुस्तक गत पाठानाम अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण उद्देश्य इति स्वीकृत। आजकल संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य बस इतना हो गया कि संस्कृत की जो बुक लगती है बस उसका अनुवाद कर दिया जाए, दैट्स इट, ठीक है। अब संस्कृत जो छात्र जो है वो संस्कृत में संभाषण, संस्कृत का सुनना, इन सब के अवसर उनको मिलता ही नहीं कि संस्कृत में बात करें, संस्कृत को सुनने को मिले, उन्हें कोई बोल रहा हो उसे सुनने को मिले। तो यहाँ पे संस्कृत शिक्षण कहाँ पे हुआ, वहाँ कैसे संस्कृत शिक्षण हो सकता है, ठीक है। स्पष्ट रूप से ये संस्कृत शिक्षण नहीं है, और सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही है कि संस्कृत पाठन विधौ एष दोष दूरी करणीय एव इति अस्माकम एक महत्वपूर्ण कर्तव्य। संस्कृत पठन या संस्कृत शिक्षण में जो ये दोष है इसको दूर करना ही होगा, यही हमारा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होगा, अपनी संस्कृत भाषा को बचाने के लिए ये इसका सेंस निकल कर आता है। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अगर नहीं भी करती तो आप इसको पढ़ते पढ़ते इसको टूटी फूटी भाषा में समझ ही लेंगे, हर हाल में इतना तो समझ में आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है, ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि संस्कृत शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। संभाषण, नियम का स्मरण करना, अनुवाद कार्य करना, शब्दों का लेखन करना, शब्दार्थ लेखन। ऊपर हमने पढ़ा कि संस्कृत का संभाषण और संस्कृत सुनना, ये इंपॉर्टेंस है संस्कृत शिक्षण के लिए। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, संभाषणम। अधुना इत्यर्थे अत्र ये हो हमें मिल चुका है इसका आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अद्वते संस्कृत, ठीक है, आजकल संस्कृत पाठन के लिए कौन सी भाषा का माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा रहा है, फटाफट से बताइए, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, आप ही को गेस करना है। यस, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी है, हिंदी भाषा है, कुछ क्षेत्रीय भाषा है, ये सबका प्रयोग हो रहा है, लेकिन संस्कृत पढ़ाने के लिए संस्कृत भाषा का ही प्रयोग नहीं हो रहा है। सीबीएसई स्कूल्स की में तो फिर भी जो भी संस्कृत लगा रहा है सीबीएसई, वो संस्कृत से ही रहते हैं सब उसमें क्वेश्चंस वगैरह, लेकिन बाकी अगर जो बोर्ड भी देखते हैं, चाहे वो एमपी बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, क्वेश्चंस भी जो आपके हिंदी से रहते हैं। अदित्य इति पदे का उपसर्ग, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अस्मिन् अनुच्छेदे दृश्यते इति क्रियापदस्य किं कर्ते पदम प्रयुक्तम, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान नहीं थी कि दृश्यते वाला भी नोटिस करना है, चलिए कर लेते हैं जल्दी से। एक तो यहाँ पे है, और ऑप्शन में जितने भी वर्ड्स थे उनमें से यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, और ढूंढेंगे। ओके, एक यहाँ पे भी है, और ये ऑप्शन में एक नैपुण्य शब्द था, तेषां नैपुण्य न दृश्यते, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, नैपुण्य।
मित पदे क प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो सही उत्तर हो जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, तव्यत प्रत्यय का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और प्रत्यय जो है अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, बिना पढ़े ऐसे ही अपने से समझ में नहीं आती संस्कृत वाली प्रत्यय। एक बहुत ही जो चैनल के पे जाएंगे तो फर्स्ट वीडियो जो चैनल का है, आई थिंक आई मीन जो चैनल के पेज पे डिस्प्ले होता है वो वीडियो है, या संस्कृत की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, प्रत्यय का शॉर्टकट में बता दिया है। तो अभी एक आध क्वेश्चन अगर फंस गया तो उसके लिए वो यूज़फुल हो जाएगा, तो देख लीजिएगा, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तव्यत प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं इसका, तो देखिए इसका प्रयोग हमेशा भाववाच्य और कर्मवाच्य में ही होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कर्तृवाच्य में नहीं होता है। अतिरिक्त प्रत्ययस्मिन कस्मिन सॉरी पदे प्रयुक्ता, यहाँ पे ये प्रत्यय किस शब्द में लगा है? सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वीकृत। ठीक है, इसका इस प्रत्यय का जब प्रयोग जनरली जितनी भी धातुएं होती हैं उसमें भूतकाल या फिर समाप्ति का अर्थ बताने के लिए किया जाता है। अत्र संधि युक्तम पदम किम, यहाँ पे कौन सा पद जिसमें संधि हुई है? सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत छात्राह, ये इसका विच्छेद जब करेंगे तो हमारा होगा संस्कृत धन छात्रा, ऐसा बनेगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। संस्कृत शिक्षणम इति पदे कः समासः, सिंपली पूछ लिया है शब्द में कौन सा समास है। तो संस्कृत शिक्षणम मतलब संस्कृत का शिक्षण, तो बीच में कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है? का, और क्योंकि एक कारक चिन्ह आ रहा है तो कौन सा समास होगा? हमेशा अगर बीच में कोई कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, जैसे का है, मे है, पर है, को है, तो आपका हमेशा तत्पुरुष समास होता है। So, ये आज के क्वेश्चन थे। आज ये चीज एक भी बार नहीं हुई थी, गद्यांश की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हुई थी, तो वो भी करा दिया है थोड़ा सा। आई जस्ट होप यू लाइक, और कोशिश करूंगी कि इसका जो PDF है वो शेयर कर दूं आपको चैनल पे, टेलीग्राम पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।